मुसलमानों तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इतकब कर बैठे उन पर अपने लोगों में से चार शख्सों की शहादत लो अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या खुदा उनके लिए कोई और सबील पैदा करे और जो दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो फिर अगर वो तोबा कर ले और नेकुकार हो जाए तो उनका पीछा छोड़ दो बेशक खुदा तोबा कबूल करने वाला और मेहरबान है फर्द औरतों पर मुसलत तो हाकिम है इसलिए कि खुदा ने बास को बास से अफजल बनाया है और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं तो जो नेक बीबियां हैं वो मर्दों के हुक्म पर चलती हैं और उनके पीठ पीछे खुदा की हिफाजत में माल और आबरू की खबरदारी करती हैं और जिन औरतों की नस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं तो पहले उनको जबानी समझाओ अगर न समझें तो फिर उनके साथ सोना तर्क कर दो अगर इस पर भी बाज ना आए तो जदो कोप करो और अगर फर्मा हो जाए तो फिर उनको ईजा देने का कोई बहाना मत ढूंढो बेशक खुदा सबसे आला और जरीलू कदर है अड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तो नहीं रही और वो कपड़े उतार कर सर नंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुना नहीं बशर्ते अपनी जीनत की चीजें ना जाहिर करें और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है और खुदा सुनता जानता है मोमिनो जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आए तो उनकी आजमाइश कर लो और खुदा तो उनके ईमान को खूब जानता है तुमको मालूम हो कि मोमिन है तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो कि ना ये उनको हलाल है और ना वो उनको जायज और जो कुछ किया हो वो उनको दे दो और तुम पर कुछ गुना नहीं कि उन औरतों को महर देकर उनसे निकाह कर लो और काफिर औरतों की नामूस को कब्जे में न रखो यानी कुफ्फार को वापस दे दो और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया हो तुम उनसे तलब कर लो और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें ये खुदा का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है और खुदा जानने वाला वाला है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बैत करने को आए कि खुदा के साथ ना तो शिरक करेंगी ना चोरी करेंगी ना बदकारी करेंगी ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी ना अपने हाथ पाओं में कोई बहतान बांध लाएंगी ना नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी तो उनसे बैत ले लो और उनके लिए खुदा से बख्शिश मांगो बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है अगर तुम दोनों खुदा के आगे तोबा करो तो बेहतर है क्योंकि तुम्हारे दिल कज हो गए हैं और अगर पैगम्बर की ईजा पर बहम एआनत करोगी तो खुदा और जब्राइल और नेक किरदार मुसलमान उनके हामी और दोस्तदार हैं और उनके अलावा और फरिश्ते भी मददगार हैं अगर पैगम्बर तुमको तलाक दे दें तो अजब नहीं कि उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे बेहतर बीबियां दे दे मुसलमान साहिब ईमान फर्मा बरदार तोबा करने वालियां इबादत गुजार रोजा रखने वालियां बिन शोहर और कंवारियां अपने आप को और अपने और आयाल को आतिश जहन्नम से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है और जिस पर तुंद खू और सख्त मिजाज फरिश्ते मुक्र हैं जो इर्शाद खुदा उनको फरमाता है उसकी नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं